एक्शन टेस्ट यहीं कहाँ जाए नहीं तो गोदरेज तो माइनस होगी और इंटरेस्ट भी माइनस होगा नहीं सो वो माइनस पहले हो चुका होगा ना ये अमाउंट कहाँ से कैलकुलेटर पर करके बताओ मुझे ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है एडवेंचर थे ठीक है अब कितने के 106 एडवेंचर प्राइस के कितना हो गया माइनस हटाएंगे ब्रोकरेज वो तो माइनस होने ही है नहीं दो बार नहीं हट रही तुम यहाँ अमाउंट ये वाला ले नहीं रहे वो अमाउंट फिर से यही ले रहे हो फिर तुम सोच रहे दोबारा हटे दो बार थोड़ी हट रही तो फिर से अमाउंट ले लोगे तो अब कहाँ हट रही इसमें से बताओ ऐसे से हटी है क्या हाँ तो ऐसा नहीं कि दोबारा हट रही तुम दो बार माइनस करके दिखा रहे हो इसको ले लो हाँ खत्म बात हो गया हाँ बस सीधा सीधा कुछ नहीं कुछ जरूरत नहीं क्योंकि करना तो वही है ना अपन को अपन इसी को ले रहे अपन सोच रहे दोबारा हट रही दोबारा थोड़ी हट रही यही तो है नेट सेल प्रोसेस होमवर्क करके आए हो वेरी गुड नोट्स का प्रिंट आधे हो चुके होंगे कल ही मैं रात को 12:30 बजे तक सिल्वर क्या है कौन सा मॉल है ये हाँ मुझे रात में डर भी लग रहा था लेकिन मैं नोट्स बनाता रहा केवल इसलिए कि तुम्हारे नोट्स का प्रिंट हो जाए लेकिन फोटोकॉपी वाले ने प्रिंट नहीं करे तो अभी थोड़ी देर में कर देंगे आज तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर के खत्म होने तक मिल जाना चाहिए नहीं मिले तो कल मिल जाएंगे ठीक है तो एक पार्ट मिल जाएगा उसमें 6 चैप्टर रहेंगे ठीक है और फिर एक पार्ट फिर से मिलेगा और फिर एक एएस का अलग से मिलेगा तो 3 बुक मिलेंगे तुम्हें छोटी छोटी इजी टू कैरी इंग्लिश में बोल दो तो प्रॉब्लम हो जाती है क्या 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 तुमने कौन सा मीडियम भरा है हिंदी की संस्कृत फारसी अच्छा कल कौन कौन से क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे बताना जरा सेवन दिया था हाँ डिस्कशन कर लें 7 पे अच्छा कल क्लास में हो गया था ठीक है जल्दी जल्दी बताना है ना टाइम बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी एक क्लास में हो गया था नहीं हुआ था एक होमवर्क था हाँ तो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका देखिए क्या लिखा हुआ है मैं थोड़े अमाउंट मैच करा दूंगा तुम्हारे और जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ठीक है उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है ये बढ़िया क्वेश्चन है
ठीक है ओके। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 1,20,000, ये तो कर चुके ना। अच्छा अमाउंट इसके जैसे थे, हाँ तो ये नहीं करा रहा मैं, डिबेंचर के नंबर चेंज हो गए, ये नहीं कर रहा मैं, इसका आंसर मैच करना है। क्या नाम से था ये क्वेश्चन मिस्टर, ये क्या ये यही है, हाँ देख लो ये आंसर। मैच कर लो है ना, नहीं करके आए तो मैच कर लो आंसर, ये वाला नहीं है ना, मैं समझ गया था। ए वाला है, ए है, यही है, हाँ प्लीज चेक कर लो, ना ये नहीं समझ में आ रहा, ए था वो था, तीन दिए थे, हर क्वेश्चन यही नहीं था लेकिन एक का तो ये वाला था। मैच कर लो, हो गया मैच पक्का साल, ऊपर वाला अमाउंट आया कौन सा नहीं आया बताओ, अमाउंट 6300 नहीं आया, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन में एंट्रेंस की डेट क्या थी, एंट्रेंस की डेट थी 30 सितंबर और 31 मार्च है ना, जबकि ईयर कब एंड हो रहा है अपना, जेड क्लोजेस बुक्स एवरी 31 दिसंबर, जबकि ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर में, तो ऐसा समझना कि ओपनिंग बैलेंस कितने तारीख का आया होगा, 1 जनवरी, और क्लोजिंग कब हुआ होगा, 31 दिसंबर है ना। केवल यहां ईयर की काउंटिंग ठीक से समझनी है कि बुक्स कब क्लोज होती हैं, जेड क्लोजेस बुक्स एवरी 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को बुक्स क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। खिड़कियां खोल देना, बहुत सफोकेशन जैसे लग रहा है, आवाज आ रही है वहां से, हाँ तो खोल पीछे ही खोल देना निवेश, हाँ देखें ईयर शुरू हो रहा है जनवरी से, क्लोज होगा दिसंबर में, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और जो ब्याज की डेट है वो क्या है, 30 सितंबर 31 मार्च, तो ब्याज मिलता है 31 मार्च को, ठीक है, और 30 सितंबर को, तो जो हमारे पास ओपनिंग में डिवेंचर होंगे उसमें पिछली बार ब्याज कब मिला होगा, दिसंबर नवंबर और अक्टूबर, पिछले 30 सितंबर को ब्याज मिला होगा, तो जो ओपनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे उसमें पिछले सितंबर से ब्याज नहीं मिला होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज इस पे हमें नहीं मिला होगा। क्या ये बात क्लियर है, हेलो क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां जो ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट आएंगे उनपे 3 महीने का ब्याज भी ड्यू रहेगा, तो कितना ब्याज ड्यू रहेगा निकाला था वो तुमने, तो ओपनिंग में हमारे पास 1,20,000 के डिवेंचर है, तो इन पर 3 महीने का ब्याज ड्यू रहेगा, तो 1,20,000 इंटू 3 महीने का ब्याज क्या रेट है, तो इतना ब्याज ड्यू रहेगा, कितना। अब जब हमें ब्याज मिलेगा मार्च में है ना, तो कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा 1,20,000 पे, और जो हमने 1 मार्च को खरीदे उन पर भी कितने महीने का मिल जाएगा, 6 महीने का मिल जाएगा या 1 महीने का ही मिलेगा, हेलो कितने महीने का मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा,
तो अल्टीमेटली हमें 1200 पर प्लस 200 पर इतने डिबेंचर पर इंटू 100 रुपए इंटू 6/12 इंटू 9% कितना 6300 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जो हमारे क्लोजिंग डिबेंचर होंगे उस पर कितने महीने का ब्याज ड्यू रहेगा? 3, क्योंकि हम बुक्स क्लोज करेंगे 31 दिसंबर को, हमें ब्याज मिला होगा 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ब्याज नहीं मिला है, जो कि बाद में कब मिलेगा? जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में मिलेगा। तो जो हमारे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उन पर 3 महीने का ब्याज ड्यू रहेगा, और जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उन पर भी 3 महीने का ब्याज ड्यू रहेगा। और हम इस साइड का टोटल लगाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे और उसमें से इसको हटा देंगे, और जो बचेगा वो कहां चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ईयर एंड पर P&L में ट्रांसफर करना है। दूसरी बात, ए वाला अमाउंट क्यों P&L में चला जाएगा? ये तो अभी मिला ही नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से बात करें या ऑर्डिनरी बात करें, तो इंटरेस्ट की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है? एक्रुअल बेसिस पर। ठीक है, तो ये 3 महीने का ब्याज एक्रू तो हो चुका है ना, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज एक्रू हो चुका है, भले रिसीव नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट हम एक्रुअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। इसलिए हम इंटरेस्ट को यहां लिख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इनको हटा देंगे, तो ये P&L में आ जाएगा। और मैंने कल तुम्हें समझाया था, एक क्वेश्चन में शायद 4800 रुपए आया था उसमें टुकड़े करके, कि क्यों हम इस ब्याज को यहां लिखते हैं, फिर यहां लिखेंगे तो नेट ऑफ हो जाएगा। समझाया था क्या? हाँ, है ना? ओके, और कौन सा क्वेश्चन दिया था बताना। कौन सा दिया था? 17। ठीक है, मई 2013 में पूछा गया था ये। शंकर भैया नोट्स का, अकाउंट के नोट्स का पूछ रहे हैं, पर कब तक दे रहे हैं वो, है ना? गणेश ने दे दिया था प्रिंट के लिए, बोल दिया था अगर आज मिल जाए तो इन लोगों को, मतलब क्लास खत्म होते ही भी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, पूछ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन 2011, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ये छोटा सा। इन 2011 मेसर्स बाय लिमिटेड इशूड 12% फुली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। उन्होंने क्या किया, 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू किए, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। ब्याज की डेट क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च। ऑन 1st December 2012, 1 दिसंबर 2012 को मेसर्स बुल एंड बियर परचेस्ड 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स एट 101 कम इंटरेस्ट, 101 कम इंटरेस्ट पर खरीदा। इंटरेस्ट की डेट्स क्या है, एक बार देख लेना कहीं पे लिखी होंगी, 30 सितंबर 31 मार्च, हमने 1 दिसंबर को खरीदा, तो इस पे आखिरी बार ब्याज कब बढ़ चुका होगा? 30 सितंबर। तो हमने जैसे कही था उसको हमने कितना ब्याज दिया होगा? अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का ब्याज दिया होगा। तो बताओ इसमें कितना ब्याज दिया होगा जो हम खरीद रहे हैं? तुम क्या करके आए, सब भूल जाओ, तुम क्या करके आए, कैलकुलेटर उठाओ, कॉपी बंद कर दो, है ना, कैलकुलेटर उठाओ, कॉपी बंद कर दो, रिवाइज हो जाएगा। टाइम लगना ही है तो फ्रेश तरीके से शुरू कर ले हम डिस्कशन, और कहीं एक रफ वर्क में नोट करते जाना, फिर उसको मैच कर लेना, तो मैच कर गया तो ठीक है, ओके, तो दोबारा से हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो हमें 10,000 डिबेंचर खरीदे हमने, तो हम उनको कितने महीने का ब्याज देके आए होंगे? 2 महीने का ब्याज देके आए होंगे। तो 10,000 इंटू 100 इंटू 2/12 इंटू 12% कितना ब्याज होगा इसके अंदर? 20,000 तो ब्याज होगा, ठीक है, ब्याज मिला के हम ओवरऑल कितना पेमेंट करके आए हैं? 101 कम इंटरेस्ट प्राइस पे करके आए हैं हम। Also paying brokerage at 1% of कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ the परचेज, जो भी कम इंटरेस्ट प्राइस है उसका 1% ब्रोकरेज भी दी है हमने, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने
कम इंटरेस्ट प्राइस कितना पे करा पहले तो ब्रोकरेज के अलावा? 10 लाख, 10,000 प्लस क्या पे करा ब्रोकरेज? कितने परसेंट? 1% ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, है ना? मैंने बोला था कुछ ना कहा जाए तो कोटेड प्राइस का लेना, तो इसमें कुछ ना कहा गया होता तो किसका लेते? बताओ बताओ बताओ, तो भी कम इंटरेस्ट प्राइस का लेते, और बोला गया तो लेना ही है, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10,100, तो ये कितना हो जाएगा? 10,20,100 माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम इंटरेस्ट, कितना? 20,000, तो क्या हो जाएगा? 10,100। ये हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 1 मार्च 2013 को दी फर्म सोल्ड ऑल दीज डिबेंचर्स एट 106 कम इंटरेस्ट प्राइस, अगेन पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 December to 1 March। 1 दिसंबर से 1 मार्च का अकाउंट पूछा गया। इंटरेस्ट की डेट क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च। इंटरेस्ट की डेट हमारे बीच में आई नहीं, है ना? क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पूछा गया वो ये बोल रहा है कि 1 दिसंबर से 1 मार्च का अकाउंट बनाओ। तो 1 दिसंबर को खरीदा, बीच में इंटरेस्ट की डेट आई या नहीं आई? नहीं। और सीधा हमने 1 मार्च को बेचा, तो खरीदने बेचने की एंट्री, खरीदने पर ब्याज चुकाया होगा, बेचने पर ब्याज मिला होगा, और एक और अमाउंट निकालना है, वो है प्रॉफिट। तो पहले तो निकाल लो सेल प्राइस क्या आ जाएगा इसका, तो कम इंटरेस्ट सेल प्राइस क्या हो जाएगा बताएं? 10,000 × 106, तो 10,60,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से हम ब्रोकरेज, 1% माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा नेट सेल प्राइस, और एक कम इंटरेस्ट है ना, कितना? 10,49,000 माइनस इसमें से क्या करते हैं हम इंटरेस्ट, कितने महीने का, तो कैसे आएगा? 10,000 × 100 × 12% × 5/12 कितना? 50,000। तो ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9,999,400 इतना है नेट सेल प्रोसीड, ठीक है? इतना नेट सेल प्राइस है इसका। अब देखना कितना प्रॉफिट हुआ। फीफो वेटेड एवरेज कोई मतलब ही नहीं, एक इन्वेस्टमेंट था बिक गया तो वही फीफो वही वेटेड एवरेज सब कुछ वही है। तो खरीदा कितने में था? 10,100। बिक कितने में गया? 9,99,400 सही है। तो कितने का नुकसान हो गया? 600-700। कितने का? 700 रुपए का नुकसान हो गया। ओके, मैच कर लो, मैच है, पूरा मैच है, बिल्कुल सही है। क्या बात कर रहे हो यार तुम। ओके, और कौन सा क्वेश्चन दिया था? 24। इतना सारा होमवर्क दे दिया है क्या? सेम है कि सिमिलर है? सेम थोड़ी होता है, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा तो अब मैं नहीं करा रहा मतलब ऐसा। ओके, इन्वेस्टमेंट से 2-3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया। अपना आखिरी क्वेश्चन किस, इसमें नवंबर बस के क्वेश्चन नहीं है, मई 18 तक नहीं आया, मतलब नवंबर 17 में नहीं आया और मई 18 में नहीं आया। नवंबर 18 का पूरा पेपर लगा होगा नोट्स के पीछे, तो उसको मैंने क्रॉप करके नहीं लगाया, ठीक है? तो नवंबर में आईपीसी में आया था क्या? नवंबर में मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है? बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
तो हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं आज की। जमाई लेना है जिनको, पीछे की बेंच पे जाएं, मेरे हाथ के आसपास कोई जमाई मत लेना। देखो ए वाले क्वेश्चन पे लिख दो, कहां से लिखो, क्या करोगे तुम, तुम्हारा है क्या, क्या लेकर आए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं पूछ रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से लगा लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसमें सब कुछ है जो हो सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, कठिन के एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं, ना कठिन है ना ऐसा बोल रहा हूं कि एग्जाम पूछ ही लेंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन कर लिया, इसको लगा डाला तो लाए झिंगा लाला, तो झिंगा लाला हु कर देने जा रहा है। देखे इजी है ना, कठिन अठिन नहीं है, नॉर्मल है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, उड़ रहा है। हाँ बोलो, खिचली फोटो मैं अच्छा आया। मिस्टर चतुर, चतुर है इन्वेस्टर, हैड 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ऑफ मेसर्स उन्नति लिमिटेड एज करेंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करे जा रहे हैं वो कैसे करे जा रहे हैं, एज करेंट इन्वेस्टमेंट होल्ड करे जा रहे हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट जब होते हैं तो आप उनका जब वैल्यूएशन करते हैं एंड में, तो किस पे करते हैं आप, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ये डिस्कशन कल के लेक्चर में नहीं हो पाया था तो आज कर लेंगे इसको, क्वेश्चन पूरा तुम्हें करना है इसको, है ना, मैं बस रीड कर रहा हूं। 1 जुलाई 2014 को ओपनिंग बैलेंस था 4000 डिबेंचर का, जिनकी कॉस्ट थी 98, है ना। 1 जून को हमने परचेस किए 2000 डिबेंचर्स 120 कम इंटरेस्ट पर, कितने में खरीदा, 120 कम इंटरेस्ट। फिर 1 सितंबर को हमने 3000 डिबेंचर बेचे 110 कम इंटरेस्ट। फिर हमने 1 दिसंबर को 2000 डिबेंचर बेचे 105 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है। 31 जनवरी को हमने परचेस किए 3000 डिबेंचर 100 रुपए का एक्स इंटरेस्ट, और 31 मार्च को मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट थी 105। तो आप पहले निकालना कि कॉस्ट कितनी है जो इन्वेस्टमेंट बचे हैं उनकी, और फिर निकालना एक बार मार्केट वैल्यू कितनी है, बचे वर इज लोअर। फिर हम डिस्कशन करेंगे उस पॉइंट पे, हम डिस्कशन करेंगे। आखिरी का पॉइंट है, इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। अब इसमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, क्या है, ईयर शुरू कब से हो रहा है, अप्रैल से मार्च, और ये क्या आ जा रहा है, जून से दिसंबर, तो वो हमें ओपनिंग में ड्यू आएगा और क्लोजिंग में भी ड्यू आएगा, तो एक ही पॉइंट कवर हो जाएगा, है ना। मिस्टर चतुर क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2015, ही इनकर्ड ब्रोकरेज ऑफ 2% फॉर ऑल हिज ट्रांजेक्शन, वो सारे ट्रांजेक्शन पे 2% की ब्रोकरेज चुकाता है, तो ब्रोकरेज का पॉइंट कवर हो गया। अब किस प्राइस का ब्रोकरेज चुकाएगा, कम इंटरेस्ट का, एक्स इंटरेस्ट का, किसका, जो भी कोटेड होगा। इस केस में 120 कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट का दो, इसमें 110 कम इंटरेस्ट है तो इसका दो, 105 एक्स इंटरेस्ट है तो 105 का दो, और यहां पे कितने का दो, 100 का 2%, है ना। तो एक ये अच्छी पॉइंट है इसमें। फिर सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स चतुर एज्यूमिंग फीफो मेथड इज फॉलोड। इसमें 2-3 और अच्छी बातें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में आएगी। सबसे पहले आपको टाइम स्केल बनाना है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है ज्यादा, है ना। तो सबसे पहले टाइम स्केल बनाएं, सारे लोग सबसे पहले टाइम स्केल तैयार करें, दूसरा अकाउंट तैयार करें, और क्वेश्चन को जैसा कर रहे हैं 10 मिनट का टाइम मेरी तरफ से है, सॉल्व करें, तब तक मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, तुम्हारे मुंह पे से लग रहा पूछने वाली हूं, तो मैंने फेस रीडिंग गलत कर ली। तो आपको 10 मिनट का टाइम है, अब इसको बनाएं, है ना, जितना जो होगा फिर अपन डिस्कस करें।
हाँ बस 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 एक मिनट, लाइट चली गई। सोच के बोला होगा तुमने प्यार भी तुम्हारा हाँ क्वेश्चन नोट कर लिए, एक मिनट डिस्टरबेंस होगा है ना, एक मिनट बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा 21। हाँ ललित क्या पूछ रहे थे, हो गया आराम से कर लो है ना, हो जाएगा तो सारे अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट कवर हो जाएंगे इसमें।
है ना, वर्किंग नोट के ही मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 6 का पूछा गया, कम से कम 10 का होना चाहिए था। देखिए वर्किंग नोट तुम्हें बनाने सारे। आज यही नहीं करना है, जितना मन तुम्हारा लग गया इस क्वेश्चन में, और वर्किंग नोट बनाने हैं ना, गलतियां तभी समझ में आएंगी, हवा हवा में कुछ नहीं करना। क्या बोल रही थी मैं, वो वैसे अच्छा वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा ना, मार्केट वैल्यू वाली हिंट कर रहा हूं मैं। क्या करना है आपको, जो इन्वेस्टमेंट बचे हैं उनकी निकालनी है कॉस्ट, और कॉस्ट कौन से मेथड से निकलेगी, फीफो मेथड से। और फिर आपको निकालनी है उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, और फिर विच एवर इज लोअर, जो भी कम है उसको आप दिखाएंगे। लेकिन मुझे करके बताना कैसे आ रही है, बैलेंस बगैर भी कॉस्ट होगा, लेकिन तुम करके बताओगे कि कॉस्ट कैसे आएगी, फीफो मेथड से कॉस्ट कैसे आएगी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की। इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ा है तुमने, हाँ बस उसी हिसाब से करना है। तो कॉस्ट निकालनी है, फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। टाइम लग रहा है, लग जाना तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं है जो, ऐसी कोई भी डिस्कशन हमें करना हो जो इस क्वेश्चन में कवर ना हो, मतलब हर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कवर है, तो अपने आराम से कर लो तुम, तो हो जाए अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक।
मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम गलत कर रहे हो? मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है? वर्किंग नोट बना लेना है ना, मैं चेक करूंगा कॉपी में। ओ मोबाइल धारी, तुम्हारा दिखाना वर्किंग नोट कहाँ है इसका? शुरू करो, शुरू करो वर्किंग नोट बनाना। हाँ तुम बनाओ। हाँ देख लिए, तुम बनाओ। हाँ इस प्रोजेक्टर तो नहीं है ना, कोई सा क्वेश्चन दे दो मैं बताता हूँ। तुम निकालो जो बचे उनकी कॉस्ट क्या है और फिर देखना कितनी यूनिट बची है। ठीक है, 1000 बची नहीं, 3000 गए, 4। तो 4 की कॉस्ट क्या है वीपो बेसिस में और उन 4000 की 105 के हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या है, बेचे वेरेज लो है वो लेंगे अपन, है ना? ये रख दो। हाँ कुछ पूछ रही। हाँ सही है। नहीं बिल्कुल से होगा, 1000 की कॉस्ट निकाल लो और 3000 की कॉस्ट निकाल लो, जोड़ दो तो हो जाएगी 4000 की कॉस्ट। नहीं वो वेटेड एवरेज नहीं है। हाँ हाँ बस खत्म, ये अपने आप में कॉस्ट हो गई 4000 की। हाँ तो बस यही है। हाँ तो नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी, कोई जरूरत नहीं। अब उसको 4000 इंटू 105 से मल्टीप्लाई करो, मार्केट वैल्यू 105 है।